आज तो टीवी पे भी आता क्या, न्यूज पे? वाह वाह वाह, उधर देखो हाफिज साहब की तरफ, पूरे चैनल पे देखो टीवी ऑन करते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं तमाम हजरात से ये ऐलान करता हूँ तमाम हजरात के लिए कि 26 नवंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब तहफ्फुज़े शरीयत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद सरजमीन नारायणपेट बमुकाम जामा मस्जिद मैदान में मनाया जा रहा है। और इस तहफ्फुज़े शरीयत कॉन्फ्रेंस में जय्यद उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं, दानिशवराने हजरात तशरीफ ला रहे हैं, जिसमें काबिले ज़िक्र शहज़ादे गौसे आज़म पीरज़ादा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा क़ादरी अल जिलानी अल मुसव्वी अल मारूफ़ अली पाशा साहब सदर आल इंडिया उलमा मशायख बोर्ड तेलंगाना व आंध्रा व मदीर ख़तीब दकन हैदराबाद व दीगर हजरत अल्लामा मौलाना सैयद गुलाम अली समदानी साहब क़िबला व डॉक्टर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान साहब बंदा नवासी, इनके अलावा हजरत मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब रुकन आमला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व दीगर हजरत पीर शब्बीर साहब हजरत मौलाना सैयद अहमद पाशा कादरी रुकन असम्बली चार मीनार हैदराबाद से तशरीफ ला रहे हैं और दीगर हजरात के भी बयानात होंगे। तमामी हजरात से मेरी अदबन गुजारिश है, खुसूसन जिला महबूब नगर के मुसलमानों से, कि वो इस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाकर तहफ्फुज़े शरीयत कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए और अपने मुसलमान के जज्बे को सरजमीन नारायणपेट में ज़ाहिर फरमाएं। और ये तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो तहफ्फुज़े शरीयत कॉन्फ्रेंस जो सरजमीन नारायणपेट